इस वीडियो में आप जानेंगे चांद पे मिले पानी के बारे में और साथ ही जानेंगे नासा के एक नए मिशन के बारे में जिसमें नासा चांद को बेस बना के मंगल तक जाएगा, यानी चांद पे ही रॉकेट बनाया जाएगा। चांद पे रॉकेट कैसे बनाया जाएगा इस मिस्ट्री को जानने के लिए हमारी वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। मैं हूँ एनीथिंग और आप देख रहे हैं एनीथिंग मिस्ट्री। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल एनीथिंग मिस्ट्री को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप बिल्कुल भी मिस ना कर सकें। चांद पर मिले पानी की कहानी इस बार कौन सी मिस्ट्री लेकर आई है? नासा ने बताया है कि चांद पर पानी मिल गया है, लेकिन वो तो पहले ही मिल गया था, ऐसी कितनी बार मिलेगा? इस बार मामला अलग है, जहाँ से उम्मीद नहीं थी पानी वहाँ मिला है। अब जब मिल गया है तो चांद से उम्मीद कुछ बढ़ गई है। चांद का अपना कोई वायुमंडल नहीं है, उसका गुरुत्वाकर्षण बल भी बहुत कम है, इसलिए चांद की सतह पर तरल पानी नहीं टिक सकता। 1969 में पहली बार चांद पर इंसान पहुंचा। नासा के अपोलो मिशन के एस्ट्रोनॉट्स पृथ्वी पर चांद के टुकड़े लेकर आए। उन्हें वैज्ञानिकों ने स्टडी किया और कहा गया कि चांद की जमीन एकदम सूखी है, वहाँ बिल्कुल पानी नहीं है, लेकिन पिछले 20 सालों में हमें चांद पर पानी की मौजूदगी के कई सबूत मिले हैं। 2008 में इसरो का मिशन चंद्रयान 1 लॉन्च हुआ। ये चांद पर जाने वाला इंडिया का पहला मिशन था। चंद्रयान में नासा का एक डिवाइस लगा हुआ था। इस डिवाइस का नाम था मून माइनोलॉजी मेपर, शॉर्ट में बोले तो M3। इसने पहली बार चांद पर बर्फ की बात कही। नासा से पहले ही इसरो को चांद पर पानी का पता चल गया था। चंद्रयान 1 में इसरो ने मून इम्पैक्टर प्रोब लगाया था, वो हिस्सा जो चांद की सतह पर जाकर टकराया। इस प्रोब की टक्कर से चांद पर बर्फ मिलने की पुष्टि हुई थी, लेकिन इसरो ने नासा के कंफर्मेशन का इंतजार किया और उसके बाद ये घोषणा की। चंद्रयान 1 से हमें सिर्फ चांद के ध्रुवीय इलाकों में बर्फ का पता चला था। ये बर्फ कुछ ऐसे गड्ढों में थी जहाँ धूप नहीं पहुँचती, ये इलाके बेहद ठंडे होते हैं। वैज्ञानिकों के सामने सवाल था कि क्या चांद के ऐसे इलाकों में भी पानी हो सकता है जहाँ सूर्य की रोशनी पहुँचती है। जवाब मिल गया है, यही चांद पर हुई लेटेस्ट खोज है। इसको मैंने पॉइंट्स में डिवाइड करके रखा है। पॉइंट नंबर 1, पानी किसने ढूंढा? एक ऑब्जर्वेटरी है जो हवा में उड़ती है। इस ऑब्जर्वेटरी का नाम है सोफिया, SOFIA, यानी स्ट्रेटोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी फॉर इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी। ये दुनिया की सबसे बड़ी फ्लाइंग ऑब्जर्वेटरी है। नासा और जर्मन एयरस्पेस सेंटर मिलकर सोफिया को मैनेज करते हैं। ये ऑब्जर्वेटरी एक बोइंग हवाई जहाज को मॉडिफाई करके बनाई गई है। ये एरोप्लेन करीब 45,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ता है। पृथ्वी से अंतरिक्ष में देखने पर हमारा वायुमंडल दिखाई देता है। पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में अच्छी खासी मात्रा में पानी है। अंतरिक्ष में साफ देखने के लिए ये रुकावट पैदा करता है। इसे ऊंचाई पर होने के कारण सोफिया ने साफ साफ देखा। सोफिया में इंफ्रारेड कैमरा लगा है, हर चीज से कई तरह की किरणें निकलती है। हमारी आंखें इंफ्रारेड किरणों को नहीं देख सकती, इसलिए अलग उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है। सोफिया को अंतरिक्ष में दूर की चीज़ें देखने के लिए बनाया गया है, लेकिन कई बार चांद इसके सामने आ जाता है। वैज्ञानिकों को ये नहीं पता था कि सोफिया से चांद के कितने सटीक ऑब्जर्वेशन लिए जा सकते हैं। तो अगस्त 2018 में ऐसा ही टेस्ट ऑब्जर्वेशन लिया गया, इसी से चांद पर पानी होने की बात अब निकल आई है। सोफिया के इंफ्रारेड कैमरे ने वो फ्रिक्वेंसी कैद की जो सिर्फ पानी के अणु से ही निकल सकती है। पॉइंट नंबर 2, चांद पे पानी कहाँ मिला? ये पानी क्लेवियस क्रेटर में मिला है। क्रेटर यानी गड्ढा। ये क्रेटर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर है। क्लेवियस क्रेटर चांद पर मौजूद बड़े क्रेटर्स में एक है। इसे पृथ्वी से भी देखा जा सकता है। इससे पहले जो पानी मिला था वो बहुत ही अंधेरे इलाकों में मिला था, जहाँ कभी सूरज की रोशनी नहीं पड़ती। क्लेवियस क्रेटर पर पानी मिलने का मतलब है चांद का पानी सिर्फ ठंडे परछाई वाले इलाकों तक सीमित नहीं है, पानी चांद के धूप वाले इलाकों में भी है। पॉइंट नंबर 3, चांद पे पानी कितना मिला है?
इस लोकेशन से मिले डेटा से पानी की मात्रा का अंदाज़ा लगाया गया। यहाँ पानी का कंसंट्रेशन 100 से 412 पार्टिकल्स पर मिलियन है। आपके मन में एक सवाल होगा कि ये कितना है। रुकिए रुकिए, मैं आपको बताता हूँ। 1000 लीटर की टंकी ली जाए, चांद से मिट्टी खोदकर इस टंकी को भर दिया जाए, फिर इस मिट्टी में से सारा पानी निकाला जाए तो लगभग 350 मिलीलीटर पानी निकलेगा, आधा लीटर से भी कम। चांद की 1000 लीटर मिट्टी में 350 मिलीलीटर पानी निकलेगा, सारा रेगिस्तान में इससे 100 गुना ज़्यादा पानी निकल जाएगा। ये भले ही बहुत कम मात्रा है, लेकिन चांद के लिए ये बड़ी बात है। इससे ये सवाल उठते हैं कि पानी कैसे बनता है और वो चांद की सतह पर कैसे टिका रहता है। पॉइंट नंबर 4, नासा का चांद पर बसेरा। 2024 में नासा का चांद पर जाने का प्लान है। इस बार प्लान पहले से थोड़ा अलग है। इस बार सिर्फ टहल के नहीं आना है, इस बार बसेरा जमाना है। प्लान तो मंगल तक जाने का है, चांद पहला बेस कैंप होगा। चांद पर रहने के लिए पानी बहुत ज़रूरी होगा। नासा का चांद पर बसेरा जमाने वाले मिशन का नाम है आर्टेमिस। चांद को बेस कैंप बनाने के दो कारण हैं। पहला तो यही है कि पानी मनुष्य को जिंदा रहने के लिए चाहिए होता है। दूसरा कारण ये है कि पानी से रॉकेट फ्यूल भी बन जाता है। पानी का केमिकल फार्मूला है H2O, यानी इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों होते हैं। ये दोनों रॉकेट फ्यूल बनाने के काम आते हैं। अगर H2O में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग कर लिए जाए तो चांद पर ही रॉकेट फ्यूल बनाया जा सकता है। इस चालाकी को कहते हैं In-Situ Resource Utilization। जहाँ गए वहीं के साधनों से काम चला लिया। क्या है कि पृथ्वी से जितना एक्स्ट्रा सामान भेजेंगे मिशन का खर्चा उतना ही बढ़ जाएगा, इसलिए स्पेस मिशन में ये In-Situ Resource Utilization बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। पॉइंट नंबर 5, आगे क्या होगा। ये सोफिया की टेस्ट फ्लाइट थी, इसी से इतनी बढ़िया बात पता चल गई। अब सोफिया की कई फ्लाइट होगी। अब चांद की दूसरी धूप वाली जगहों पर पानी देखा जाएगा। नासा का एक और मिशन पानी का नक्शा तैयार करने के लिए चांद पर जाएगा। इस मिशन का नाम है वोलेटाइल इन्वेस्टिगेशन पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर, शॉर्ट में बोले तो वाइपर। पानी का यह नक्शा भविष्य में चांद पर जाने वाले मिशंस में मददगार साबित होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय मिस्ट्री, मिस्ट्रीज बिकॉज आई लव इट।